हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं होली स्पेशल आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही यूनिक है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं और आप सभी को एडवांस में होली की शुभकामनाएं। तो सबसे पहले ले लिए ये मैंने मैदा, तो मैदा लिए मैंने 1.5 कप। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों में इस तरीके से लेके क्रश करते हुए डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और बढ़ जाएगा। तो मैंने ये आधी छोटी चम्मच ली है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये खाने वाला सोडा, यानी जो मीठा सोडा आता है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो ये भी मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे नमक, तो नमक भी मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है। फिर उसके बाद डाल देंगे हम ये चीनी का बूरा, तो ये मैंने 2 चम्मच लिया है। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर ये ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो मैदा हमारा अच्छी तरीके से गुन चुका है, तब इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के इस तरीके से। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 20 मिनट हो चुके, तो मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी और एक बार इसको फिर हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। और फिर इसके अंदर से मैं एक छोटी सी लोई लूंगी। तो ये मैंने लोई ले ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। अब इसको हम बेल लेंगे, पर इसको हमें ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली बेलना नहीं है, बिल्कुल मीडियम बेलना है। तो इसी तरीके से आप घुमाते हुए बेल लें इसको। तो इस तरीके से बड़े शेप में इसको बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली। तो अब मैं इस तरीके से इसमें कट लगाऊंगी। तो इस तरीके से आपको कट लगा लेने। अब ये ऊपर की साइड से हम इसको इस तरीके से मोड़ते हुए जाएंगे, ये देखिए, और नीचे वाला पार्ट हम इसको अच्छी तरीके से जोड़ देंगे। थोड़ा सा रोल कर देंगे इस तरीके से और हाथ से थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं ये वाला मोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारे सारे शेप बन चुके हैं, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिया मैंने ऑयल, ऑयल को मैंने कर लिया प्री हीट। जो अब ये हमने मैदे के बना के रखे थे शेप, तो अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये तलकर बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि होली के लिए हमारे स्नैक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इनको स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।